हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। इस वीलॉग में हम आज के दिन मैं एक मीटिंग में जा रहा हूँ। चर्च गेट को जाना है मुझे, और फिर उसके बाद थोड़ा चर्च गेट के अराउंड इधर उधर घूमूंगा मैं। और मीटिंग होने के बाद शाम को एक और मीटिंग है। ऑफिस नहीं जा रहा हूँ मैं आज, क्योंकि मेरा जो भी काम है वो चर्च गेट अंधेरी ये साइड है। अगर आप मुंबई में रहते हो तो आपको पता होगा कि चर्च गेट अंधेरी कांदिवली से कितना दूर है। हमारा ऑफिस कांदिवली में है। सो या शुरू करते हैं दिन की। सो दोस्तों, वेलकम बैक अक्षर। अक्षर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और अभी हम लोग बढ़ रहे हैं मीटिंग के लिए, चर्च गेट की तरफ जा रहे हैं। आज हम एक स्टूडियो में जा रहे हैं, फोटोन टैडपोल करके नाम है। उनके जो फाउंडर है ऋषि ओबेरॉय, उनसे मिलने जा रहे हैं। वो एक्चुअली इंडिया गेम्स के वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ स्टूडियोज भी थे, तो उनसे हम लोग मिलने जा रहे हैं, बातचीत करेंगे। एंड मेरे मेन चैनल के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ उनके साथ कि इंडिया गेम्स में काम कैसे होता था, तो वो काफ़ी एक एक्साइटिंग वीडियो होने वाला है। तो अगर आप मेरे मेन चैनल से सब्सक्राइब नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और अभी हम बढ़ते हैं, ट्रेन पकड़नी है तो ज़्यादा रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं हो पाएगी, बट आजू बाजू का थोड़ा सीनरी दिखा देता हूँ। चलो अपन बढ़ते हैं फिर चर्च गेट। अभी हम लोग पहुंच गए चर्च गेट, बट मीटिंग जाने से पहले एक्चुअली मैंने घर से कुछ खाया नहीं था, अक्षर ने तो खा लिया। तो अभी हम जा रहे हैं बर्गर किंग में, वहाँ पे खा लेंगे और उसके बाद भागेंगे मीटिंग को, फिर देखते हैं आगे क्या करते हैं। फिर उसके बाद खा के हो गया खाना, अभी मीटिंग है हमें जाना। कैसा लगा रहा है? तो दोस्तों, अभी यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, वहाँ पे एजेंडा एक्चुअली दो है। एक तो ये है कि ऋषि सर का इंटरव्यू लेना है, ऑफकोर्स उनसे जानना है कि इंडिया गेम्स में कैसे काम होता था। एट द सेम टाइम हमारा भी, हमारे कंपनी का भी उनके साथ काम चल रहा है, तो एक प्रोजेक्ट चल रहा है उनके साथ, सो वही डिस्कस करना है और प्रोग्रेस वगैरह की बात करनी है। तो उन्हें अपडेट देना है कि उनका प्रोजेक्ट पे क्या क्या काम चल रहा है, वो सारी चीज़ें। तो अभी हम लोग यहाँ पे ऑफिस की तरफ जा रहे हैं। आप देख सकते हो ये चर्च गेट एरिया है, यहाँ पे पूरा सी फेस है, अरेबियन सी है ये साइड। और जब भी मैं यहाँ से आता हूँ, हमेशा ये जो एक चीज़ है, ये सर है, ये ऐसा क्यों रखा है बीच में, रास्ते के बीच में ही रख दिया है, आर्टिस्टिक सर है। सो अक्षर भाई, आपने तो पहली बार देखा है। देखा है क्या ये? क्या कहना, क्या है, क्यों लगा है ऐसा, क्या लगता है आपको? पता नहीं अभी क्या है ये, क्या है पता नहीं ना, नहीं। ऐसे रास्ते के बीच में ही रख दिया यार, कुछ होगा आर्ट वार्ट का मीनिंग होगा इसका। तो दोस्तों अगर आपको पता होगा कि क्या है इसका मीनिंग, कमेंट में मेरे को बता दीजिए, मैं खुद जानना चाहता हूँ, क्यूरियोसिटी है मेरे अंदर। सो बाय बाय सर, और क्या बोले इसको। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो के अंदर काफी एक स्पेशल गेस्ट जुड़े हुए हैं मेरे साथ। इनका नाम है ऋषि ओबेरॉय एंड इनके पास ऑलमोस्ट 13 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। 17 इनके पास ऑलमोस्ट 17 साल से ज्यादा का, काफी छोटी थी, 15-20 पीपल था। और उस दोस्तों अभी जैसे आपने देखा वो इंटरव्यू हो गया,
और मीटिंग काफी लंबी चली। अक्षर कैसा एक्सपीरियंस रहा यार मीटिंग में? पहली बार तू मेरे साथ मीटिंग में आया, कैसा रहा एक्सपीरियंस? फर्स्ट टाइम मिला पर बहुत अच्छा लगा, सीखने मिला मेरे को कि ऋषि ओबेरॉय ने क्या क्या किया है, सर ने क्या क्या किया है, फर्स्ट गेम कौन सा था, कैसे वो आगे बढ़े, कैसे और आगे का इंटरव्यू वगैरह देखना है पूरा तो फिर आप चैनल पे देखिए, अपलोड हो ही जाएगा। हाँ। बाकी मीटिंग कैसा लगा? मीटिंग ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना सारा मतलब समझ में मिलेगा मेरे को कि गेम डेवलपमेंट में आगे क्या क्या है। सो वही था, अभी ये मीटिंग तो हो गई है, फिर अभी हम लोग जा रहे हैं, खाना वाना खा लेंगे, अभी थोड़ा लंच वंच कर लेंगे, इसके बाद फिर थोड़ा चर्च गेट साइड देखेंगे, अभी थोड़ा टाइम है, फिर शाम को एक और मीटिंग है, तो अभी ऑफिस जाने तो नहीं मिलेगा, शाम को मीटिंग में जाना है, वो रैपअप करेंगे, बट फिलहाल अभी खाना क्या खाएंगे वो डिसाइड कर रहे हैं, तो देखते हैं, खाएंगे पियेंगे घूमेंगे फिरेंगे ऐश करेंगे और क्या। चलो सो अभी हम लोग ने लंच कर लिया है, इसके बाद थोड़ा चर्चगेट साइड घूम रहे हैं, फिर एक और मीटिंग है 4 बजे हमें लोअर परेल में जाना है, एंड वो मीटिंग होने के बाद फिर या घर पे, फिर उसके बाद घर पे, दैट्स इट। तो चलिए देखते हैं थोड़ा चर्चगेट। दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं लोअर परेल हाई स्ट्रीट फिनिक्स मॉल में, अपनी नेक्स्ट मीटिंग है। सो यहाँ पे जो मीटिंग है वो मेरी मीटिंग है एक बंदा है जिसका नाम है चिराग डाक, वो गेम्स की मार्केटिंग करता है, इन जनरल मार्केटिंग करता है एक्चुअली। तो हम लोग मिलेंगे, बातचीत करेंगे, उसको मेरे साथ कुछ वीडियोज़ वगैरह भी रिकॉर्ड करने हैं, सो देखते हैं, मिलते हैं चिराग से। तो दोस्तों अभी हम लोग मीटिंग में है, चालू हो गई है मीटिंग, हम लोग बैठे हैं टी विला में, अक्षर है और यहाँ पे है चिराग। हाय चिराग। सो हम लोग वही अभी डिस्कस करने वाले मार्केटिंग के बारे में, बट उसके पहले हम लोग चाय मंगा रहे हैं क्योंकि हम लोग बैठे टी विला में। बोला कि ठीक है ब्राज़ील में और इंडिया में करेंगे, ब्राज़ील में आइए भी ठीक ठाक हो जाता है, लेकिन इंडिया में इन्हें परचेज के लिए कम से कम उनका इन्हें परचेज था मिनिमम 400 रुपीज़। यार इंडिया में 400 रुपीज़ का कोई इन्हें परचेज करेगा ही नहीं, तो आज इसको मतलब जो गेम परचेज करना रहता है, हाँ गेम के अंदर परचेज करना होता है, जैसे जेली परचेज करना है या फिर लाइफ परचेज करना है, तो वो लोग बोलते हैं कि यार मैं इसको 400 से, मैंने उनको बोला कि कम से कम तो भी 50 रुपीज़ 40 रुपीज़ रखो, इसको आप 90% डिक्रीज करो, तब जाके इंडिया में आपको लोग आपको परचेज करेंगे, कुछ तो आएगा नहीं, कुछ नहीं आने से अच्छा कुछ तो आएगा, क्योंकि 400 लोग देखते ही कोई नहीं करेगा, इंडिया में तो कोई नहीं करेगा। तो दोस्तों अभी हम लोग का चिराग के साथ मीटिंग रैपअप हो गया, चिराग अभी निकल रहे हैं अपनी गली, एंड हम लोग अभी क्या, अभी खाना है ना,
क्या खाएंगे पता नहीं, सोचो यार, तू सजेस्ट नहीं करता मेरे को यार, मैं फंसता हूँ फिर सजेस्ट करता हूँ तो। तो दोस्तों अभी हम लोग पलेडियम मॉल में, पलेडियम ही है ना जगह का नाम, पलेडियम है देख यहाँ पे लिखा है पलेडियम मॉल में, और यहाँ पे आप सामने देख सकते हो कुछ ये अजीब चीज़ है, क्रिसमस ख़त्म नहीं हुआ लगता इनका। और ये होने के बाद अभी हम लोग घर पे जाएंगे एंड रैप अप करेंगे। सो यही था आज का दिन दोस्तों, अभी तो ज़्यादा कुछ नहीं खाऊंगा और बाद में घर पे चले जाऊंगा। आई होप आपको ये आज का वीलॉग पसंद आया, सेकंड वीलॉग है तो फिर भी थोड़ा रॉ ही है। एंड या अगर आपको पसंद आया ये वीडियो तो एक लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, चैनल को पहली बार ढूंढ रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वो बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप मेरे अगले वीडियोस मिस नहीं कर पाओ। मैं वीलॉगिंग करता हूँ, मैं एक गेम डेवलपर हूँ। सो दैट्स इट, खुश रहो, मज़े करो और अपना ख्याल रखना।